हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस, वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो आज हम लोग बताऊंगा आप लोगों को कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज़ आप कैसे जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी मैं थोड़ा सा आपको जो है डायग्राम के हेल्प से बताऊंगा, ठीक है, कि आप इजीली उसको कैच कर पाए। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने भी कई यूट्यूब चैनल अभी वीडियोज़ देखी थी, उसमें बिल्कुल भी मतलब वो सीधा प्रोग्राम पे ले जा करके वो आपको बताते हैं, वहाँ पे वो बाउंस हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको और सिंपली पुट कर रहा हूँ और आपको इसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि रियल में इसका लॉजिक होता है क्या नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सपोज ये मेरा इफ ब्लॉक हुआ है, ठीक है, दिस इज़ अवर इफ ब्लॉक एंड नाउ दिस इज़ अवर एल्स ब्लॉक, ओके। सो ये तो बेसिकली हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये हम अपने प्रोग्राम में इफ और एल्स तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा है इफ ब्लॉक एंड ये हमारा मान लेते हैं ये एल्स ब्लॉक है, ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। अब ये तो कॉमन सा है इफ एल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? तो देखिए नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है, जैसे नेस्टेड आप समझ रहे हैं, कंडीशंस ऑफ कंडीशंस, ठीक है, मतलब एक इफ का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर भी कंडीशन होगी, ठीक है, मतलब इसके इनर पार्ट में भी कंडीशन होगी और जो हमारा एल्स पार्ट है इसके अंदर भी कंडीशन होगी, मतलब कंडीशंस ऑफ कंडीशंस। अभी आपको वही बताऊंगा। सपोज जैसे यहाँ पर कोई कंडीशन होगी, ठीक है, और इसके बाद इसके पार्ट के अंदर भी कंडीशन होगी। सपोज ये देखिए, और सेम लॉजिक होगा हमारा एल्स पार्ट में भी, यानी कि एल्स पार्ट के अंदर भी कोई कंडीशन होगी। अब इसको समझिए थोड़ा सा आप, ठीक है। तो हमारा फिर ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हमारा फिर हो जाएगा इफ वाला पार्ट और ये हमारा फिर हो जाएगा एल्स वाला पार्ट। सेम हेयर, ये हमारा हो जाएगा इफ वाला पार्ट, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एल्स वाला पार्ट। अब देखिए नेस्टेड में क्या लॉजिक लगता है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन मेरी जो है क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो क्या होगा, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा लूप, कंडीशन इसके अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर देखेगा कि इस ब्लॉक के अंदर कोई कंडीशन है, तो नेस्टेड में क्या होता है कि हाँ उस ब्लॉक के अंदर भी कंडीशन होती है। यहाँ पे आप अभी नॉर्मली क्या कर रहे थे, अभी आप इफ में क्या किया था, आपने कुछ वैल्यू प्रिंट कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर एक कंडीशन दे देंगे, नहीं पहले आप एक और कंडीशन चेक करिए और उसके बाद आप उसका आउटपुट जनरेट करिए, ठीक है। तो क्या करेगा, अगेन उसने एक इफ कंडीशन अभी चेक किया हुआ है, फिर अंदर गया, नेस्टेड हुआ, ठीक है, और वहाँ पे उसको फिर एक कंडीशन मिली और फिर वो क्या करेगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पेज पे, डॉक्यूमेंट पेज पे, ब्राउजर पे, ठीक है, और फिर हमारा सारा पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा। मींस अब देखिए यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के बाद जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, अगर इफ पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है तो क्या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक टर्मिनेट हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ था, ठीक है, ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ तो सबसे पहले तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। फिर इसके अंतर्गत आया, जब इसके अंदर आया ये, तो यहाँ पे फिर एक कंडीशन इफ कंडीशन वो भी ट्रू हो गई, यानी कि अब ये एल्स पार्ट भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आ जाएगी इफ कंडीशन के अंदर, जो भी आप परफॉर्म कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके अपोजिट देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इफ ब्लॉक आपका कंडीशन फेल हो गया है, अब क्या होगा, अब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एल्स पार्ट में कोई कंडीशन ऑलरेडी इफ की फेल हो चुकी है तभी वो एल्स पार्ट में जाएगा, है कि नहीं। फिर ये इस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा और फिर यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो सेम वो यहाँ से कोई आउटपुट जनरेट कर देगा, और अगर ये नहीं सही होगी तो फिर वो एल्स पार्ट जा करके जो कॉमन लॉजिक होता है वो यूज़ होगा। तो मैं वही बता रहा था कि सिंपल सा लॉजिक होता है इसका, कैसे नेस्टेड इसको क्यों कहते हैं, हर इफ के अंदर एल्स के अंदर और कंडीशन होती है, इफ मतलब कंडीशंस ऑफ कंडीशंस, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको एक प्रोग्राम बना के 3 नंबर का प्रोग्राम, 3 वेरिएबल दूंगा और इसमें दिखाऊंगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एन से फाइल ले लीजिए आप, ये देखिए फाइल आ गई है, कंट्रोल एस से पहले आप सेव कर लीजिए, इसको डाल दीजिए आप नेस्टेड इफ, ओके, और इसका आप सेव एज टाइप सेट कर लीजिए, जो कि एचटीएमएल पे आप वर्क कर रहे हैं,
अगर तो जावास्क्रिप्ट पर है लेकिन आप HTML इसका एक्सटेंशन दे देंगे, तो आपको जो कोडिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, जो कॉल करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी फाइल जो है ओपन होके आ चुकी है जी। अब मैं इसका कोड करता हूँ, HTML ओके और बॉडी और स्क्रिप्ट। ठीक है जी, ये हमारा कुछ पेज आ गया है जो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। कोई ए सबसे पहले उसकी वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ, बी इसकी वैल्यू मैं 20 दे देता हूँ और सी मैं इसकी वैल्यू सपोज 30 देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इफ़ कंडीशन जो हमारा मेन पार्ट होता है ये, ठीक है ठीक है, और ये यहाँ पे एल्स भी बना लीजिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। ठीक है, अब ये तो इसका कॉमन स्ट्रक्चर हो गया जो आप लोग ऐसे बेसिकली यूज़ करते हैं। अब देखिए नेस्टेड कैसे होगा, इफ़ में सपोज मैंने कंडीशन दी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब देखिए ये इफ़ पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन पहले वाला इफ़ में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन जी, जब ये ट्रू होगा तो ये इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है अभी, ठीक है, तो ये अंदर आएगा। अब वहाँ पे मैंने फिर आपको डायग्राम में क्या बताया था, ये देखिए डायग्राम में ये क्या है, इफ़ के अंदर फिर एक इफ एल्स स्टेटमेंट हो रहा ना, तभी तो नेस्टेड होगा कंडीशन ऑफ कंडीशन। नाउ समझिए इसको, फिर एक कंडीशन आपने दे दिया इफ़ को कि भाई अगर ए बी से बड़ा है और ए अगर सी से भी बड़ा हो जाए तो क्या ये जो ए की वैल्यू है सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रिंट करा लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके, डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज दे दीजिए, ए इज ग्रेटर, ए की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, प्लस ए की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, ओके सिंपल। ठीक है, नाउ अब मान लीजिए कि हमारी इफ़ कंडीशन फेल होती है तब क्या होगा, मान लीजिए ए, देखिए मान लेते हैं हम कि ए बी से बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं अंदर आया, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे क्या बड़ा हो जाएगा सबसे, देखिए ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, इस सी सबसे बड़ा है, सिंपल है, सी इज ग्रेटर ओके नाउ वैल्यू ऑफ सी लुक लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो पार्ट था इफ़ वाला वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि मेरा ये पूरा ब्लॉक, ये वाला पूरा ब्लॉक ही, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा तभी अंदर आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो इफ़ पार्ट है इसका, सॉरी हाँ मान लेते हैं जो इफ़ पार्ट है इसका ये ही फेल है, ये फॉल्स हो गया, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, अब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एल्स पार्ट भी नेस्टेड होना चाहिए, नेस्टेड इफ एल्स हम लोग पढ़ लें। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके अंदर फिर एक कंडीशन थी इफ एल्स की ना, तो फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मान लीजिए ये कंडीशन इसकी फेल हुई है, यहाँ पे भी फेल हुई है, ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब क्या है कि बी बड़ा है कि नहीं, ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बी ए से बड़ा होगा। और अगर यहाँ पे मिफ कंडीशन के अंदर इसको दे देते हैं, अगर बी अगर हमारा सी से भी बड़ा हो जाए तो क्या होगा, बी सबसे बड़ा हो जाएगा ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर, तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा, बी की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एल्स मान लीजिए ये कंडीशन हमारी फेल से, तो क्या होगी, मान लीजिए बी ए से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो यानी कि वहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो सिंपल सा लॉजिक बिल्कुल, और सी इज ग्रेटर, सिंपल सी की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, ओके बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये। अब इसको आप सिंपली कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, सेव कर दिया है मैंने, अब मैं इसको फाइल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे सेव की हुई है, ओके सो नेस्टेड इफ एल्स हमारा फाइल है, इसको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट, सी इज ग्रेटर 30, अब देख लीजिए आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है,
हाँ ये देखिए, एस जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, सी की ही है, ठीक है। सी की वैल्यू ये हमारी सबसे बड़ी है 30। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ए की वैल्यू को सबसे बड़ी कर देता हूँ, सपोज 100 कर देता हूँ उसको। तो कंट्रोल एस से सेव, इस पेज को रिफ्रेश करिए। ये देखिए ए इज़ ग्रेटर, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई, ए की आ गई है कि नहीं है। अब मैं सबसे बड़ी वैल्यू बी की कर देता हूँ 200। नाउ अगेन जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, नाउ बी इज़ ग्रेटर 200, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे, जावास्क्रिप्ट पे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ अबाउट सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड मोर। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।